गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट कम्बशन. ओके, कम्बशन इज़ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. जिसमें सब नेसेसरी कंडीशंस क्या थी कि वहाँ पे क्या प्रेजेंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है. और क्या क्या इवोल्यूशन, किस किस चीज़ की इवोल्यूशन होती है वहाँ से, हीट एंड लाइट की, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. फिर हमने रीड किया था कि टू टाइप्स के होते हैं हमारे, कम्बस्टिबल होते हैं कुछ सब्सटेंसेस, कुछ हमारे क्या होते हैं, नॉन कम्बस्टिबल. फिर हमने थर्ड टर्म रीड की थी, इग्निशन टेम्परेचर. क्या था हमारा इग्निशन टेम्परेचर? एनी सब्सटेंस विल कैच फायर ओनली वैन इट अटेन्स द इग्निशन टेम्परेचर. कि किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी गिवन टेम्परेचर पर जब क्या हो जाता है कोई भी सब्सटेंस, कि कितने टेम्परेचर पे हमारा कोई भी सब्सटेंस क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्बशन. ओके, सॉरी, इग्निशन टेम्परेचर. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कम्बशन. कि जो हमारी कम्बशन होते हैं, कम्बशन हमारी कितने टाइप्स की होती है. अब हमने कम्बशन को किसके बेसिस पे डिवाइड किया है? फर्स्ट तो किसके बेसिस पे? स्पीड के बेसिस पे, ठीक है. कि कौन सा सब्सटेंस कितने स्पीड से हमारा बर्न हो सकता है, ठीक है. उसके बेसिस पे हमने क्या किया, कम्बशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है. कि कितने स्पीड से कौन सा सब्सटेंस क्या हो सकता है बर्न, ठीक है. तो फर्स्ट इज़ रैपिड कम्बशन, सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस कम्बशन, एंड थर्ड इज एक्सप्लोजन. ओके, तो फर्स्ट देखो देखो व्हाट इज रैपिड कम्बशन. रैपिड का मीनिंग क्या होता है? फास्ट. क्या होता है रैपिड का मीनिंग? फास्ट. तो द कम्बशन इन विच ए सब्सटेंस बर्न्स वेरी फास्ट. कि हमने मीनिंग ही रीड कर लिया कि उसका रैपिड का मीनिंग क्या होता है? फास्ट. यानी जो कम्बशन क्या होंगी, फास्ट स्पीड के साथ होंगे, ठीक है. जब उनको थोड़े से भी हीट प्रोवाइड कर देंगे हम, उसी स्पीड से वो क्या करना स्टार्ट, फास्ट स्पीड से क्या करना स्टार्ट कर देंगे, बर्न करना स्टार्ट कर देंगे. उनको हम क्या बोलते हैं? रैपिड कम्बशन. वेरी फास्ट विद एक्सटर्नल हीट प्रोवाइडेड. कि जो भी उसको एक्सटर्नल यानी बाहर से जो हीट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है. और ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड फ्लेम. की मतलब फ्लेम मतलब कि आग भी, मतलब जैसे लाइट भी प्रोड्यूस करती है और हीट भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं? रैपिड कम्बशन. रैपिड का मीनिंग क्या होता है? वेरी फास्ट. यानी जब आप क्या करोगे, मतलब हल्की से भी हीट प्रोवाइड करोगे तभी क्या, तभी सब्सटेंस क्या हो जाएगा आपका, बर्न करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है. वेरी फास्ट. और क्या क्या रिलीज करेगा, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में क्या करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा एंड लाइट प्रोवाइड करेगा, ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं? रैपिड कम्बशन. अब एग्जांपल्स देखो, जैसे आप क्या करते हो, घर में गैस ऑन करते हो, ठीक है. उसको हल्की सी हीट प्रोवाइड करते हो तो तभी वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, जलना स्टार्ट कर देती है. तो एलपीजी एंड पेट्रोल, ठीक है, एलपीजी गैस होती है ना मेरे घर में सिलेंडर में, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है. तो एलपीजी एंड पेट्रोल की जब आप उनको हल्की सी भी हीट प्रोवाइड करोगे तभी क्या हो जाएंगे, वो बर्न हो जाएंगे, ठीक है. एक एग्जांपल हमारा नेचुरल गैस. नेचुरल गैस कौन सी होती है हमारी? मीथेन गैस, ठीक है. कौन सी होती है? मीथेन गैस. और मीथेन गैस इसको हम क्या बोलते हैं? बायोगैस भी बोलते हैं. कि जो और मीथेन गैस हमारी प्रोड्यूस कैसे होती है, कि जब क्या होता है बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे जो हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो वेस्ट है उसमें क्या हो जाता है, डिकम्पोज वो होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें से एक स्मेल आना स्टार्ट होती है, जिसका मतलब वहाँ पे क्या हो, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो चुकी है, नेचुरल गैस यानी मीथेन गैस, ठीक है. वो भी हमारी ऐसी होती है, रैपिड कम्बशन होता है. अगर आपको उसको हल्की सी हीट प्रोवाइड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगी, बर्न, ठीक है. तो इनका जो इग्निशन टेम्परेचर कैसा होता है, वेरी लो. क्या होता है इसके अंदर इग्निशन टेम्परेचर? क्या होता है? लो इग्निशन टेम्परेचर. यानी हल्की से भी हीट प्रोवाइड करते ये क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं, ठीक है. इग्निशन टेम्परेचर क्या था? द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग. क्योंकि कोई भी टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, ठीक है. तो इनका इग्निशन टेम्परेचर रैपिड कम्बशन में कैसा होता है? वेरी लो, ठीक है. नेक्स्ट हमारी कौन सी कम्बशन? स्पॉन्टेनियस कम्बशन. देखो, स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूअस. क्या मीनिंग होता है स्पॉन्टेनियस का? कंटिन्यूअस कम्बशन. यानी लगातार कोई भी चीज़ हमारे लगातार कम्बशन होते रहना, ठीक है. यानी लगातार किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग होते रहना, ठीक है. तो इसमें क्या होता है? द कम्बशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स
कि जिसमें कोई सब्सटेंस बर्न करता है वेरी क्विकली, बर्न्स वेरी क्विकली यानी बहुत जल्दी। और वो बर्न कैसे करता है? विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट। कैसे? विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट। कि टेम्परेचर में हमारी कितनी भी हीट प्रेजेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट में हमारी कितनी भी हीट प्रेजेंट है, उसी से वो बर्न हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करने की उसको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे आपने एलपीजी गैस को ऑन किया था तो आपको क्या है, हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी थी, बट यहाँ पे आपको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स वेरी क्विकली, क्योंकि जिसमें कोई भी सब्सटेंस क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है वेरी क्विकली यानी फास्टली, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, कि जल्दी से जल्दी वो बर्न हो जाएगा और आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं पड़ेगी। और ये आपके स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब लगातार होती रहती है, कंटिन्यूस होती रहती है कंबशन, ठीक है। आप ये नहीं है कि आप मतलब वो वेट करेगी कि कोई मतलब हीट प्रोवाइड करेगा तब ये कंबशन होगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या रहती हैं? कंटिन्यूस ही रहती हैं हमेशा, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखो इसमें, और मतलब जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है वो भी किस अमाउंट में करती है, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में होता है एक हमारा वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस का एटोमिक नंबर 15 होता है, ठीक है, पता है आपको। एटॉमिक मास होता है इसका 31, ठीक है। तो फॉस्फोरस है जो, वाइट फॉस्फोरस एक कंपाउंड है, वाइट कलर का होता है, वाइट मतलब वैसे वाइट भी होता है, रेड भी होता है, दो तीन टाइप के होते हैं हमारे, लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस होता है, ठीक है, अगर वो मतलब बर्न करना स्टार्ट कर देता है एट 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कि अगर उसको 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाए, ठीक है, तो उतने टेम्परेचर पे वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, बर्न करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे समर सीजन है, समर सीजन में तो ऑब्वियस है 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना, तो ऐसे तो मतलब सारा फॉस्फोरस क्या बर्न ही होता रहेगा। अगर मतलब एक्सटर्नल उसको हीट देखो, स्पॉन्टेनियस कौन सी देखे जिसमें हमें एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे ही अगर उसको 35 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिल गया, उसको टेम्परेचर मिल गया, ठीक है, तो वो तो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो वाइट फॉस्फोरस अगर आप 35 डिग्री सेल्सियस पे, इवन आजकल जो टेम्परेचर चल रहा है इस पे भी आप उसको रख दो, तो वो टोटली अपने आप ही क्या करना स्टार्ट कर देगा, बर्न करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए हम हमेशा इसको वाइट फॉस्फोरस को स्टोर करते किसके अंदर, वाटर के अंदर, स्टोर्ड इन वाटर, के वाटर के अंदर इसको सोल्यूशन बना के ही रखते हैं हम, ठीक है, वाटर के अंदर ही स्टोर करते हैं, बिकॉज अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा तो ये क्या कैच कर लेगा, फायर, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो कोयल, कोयला होता है, कोयल माइंस के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल कोल डस्ट इन माइंस, की जो कोयले की खाने होती हैं, ठीक है, माइंस होती हैं, उनमें क्या होता है, जो कोल डस्ट होता है वो उसका भी वो भी क्या कर लेता है, इजिली फायर कैच कर लेता है। अब फायर कैच क्या करते हैं, बिकॉज दे हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, कि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो भी कैसा होता है, लो, तो इसी वजह से वो क्या कर लेते हैं, फायर कैच। थर्ड टाइप इज एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन क्या होता है भाई, सुना होगा ना, वहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया, वहाँ पे ब्लास्ट हो गया, सुना होगा ना, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, एक्सप्लोजन। तो द कंबशन दैट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, साउंड, जब भी एक्सप्लोजन होता है तो साउंड भी आते हैं, जैसे आप दिवाली में क्रैकर्स वगैरह बर्न करते हैं तो उनसे क्या आते हैं, हीट भी आती है, साउंड भी आती है, एंड पॉइजनस गैसेस भी क्या होती हैं, रिलीज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन। अब देखो फॉर एग्जांपल बॉम्ब एंड क्रैकर्स, कि कोई भी बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, जैसे RDX वगैरह एंड क्रैकर्स, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन, ठीक है। अब एक्सप्लोजन के लिए क्या चाहिए, आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा इनके दोनों के कंपैरिजन में क्या होता है, इनका थोड़ा सा हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, ओके, इतना लो नहीं होता, इनके कंपैरिजन में हाई होता है बट इतना लो मतलब इतना भी हाई नहीं होता, ठीक है। द कंबशन दैट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, साउंड एंड गैस, कि जिस जब ये कंबशन स्टार्ट होगी तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, लाइट भी और साउंड भी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी कंबशन मतलब टू टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया हमने, किसके ऊपर, एक्सटेंट ऑफ एयर सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं हम दोबारा से, एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है,
कि कितनी सप्लाई हो रही है एयर की, ठीक है, कितने कितनी वहाँ पे एयर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया अपने कंबशन को। फर्स्ट इज कंप्लीट कंबशन, ठीक है, कंप्लीट कंबशन, एंड सेकंड इज इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। फर्स्ट हम रीड करेंगे कंप्लीट कंबशन के बारे में। द कंबशन दैट प्लेस टेक्स प्लेस इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, द कंबशन दैट टेक्स प्लेस इन एडिक्वेट अमाउंट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एयर, कि जो भी हमारी कंबशन किसकी प्रेजेंस में होती है, मैक्सिमम अमाउंट, एडिक्वेट मतलब प्रॉपर अमाउंट, ठीक है, जितने अमाउंट में उसको चाहिए, एडिक्वेट मतलब एक्स्ट्रा ही बेशक प्रेजेंट हो, तो मतलब जितना कंबशन को ऑक्सीजन अवेलेब जितनी उसको चाहिए उतनी अवेलेबल होती है, ठीक है। द कंबशन दैट टेक्स प्लेस इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एयर, कि वहाँ पे जितनी उसको सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की उतनी सप्लाई वहाँ पे होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट कंबशन, ठीक है। ये जैसे हमारे एग्जांपल्स देखो, अब वहाँ पे कंप्लीट कंबशन जब होती है हमारी किसी भी सब्सटेंस की, तो वहाँ पे जो हमारे साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो क्या क्या मिलते हैं, ठीक है। सपोज हमने किसी भी जैसे एलपीजी है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, बर्न किया, ठीक है, कंबशन कराया उसका, तो वहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं कौन कौन से होते हैं, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड प्लस लाइट, ठीक है। वाटर तो हमें कम ही विजिबल होता है जो बर्निंग के टाइम पे, बट वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है बट लेस अमाउंट में, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो ये हमारे कब प्रोड्यूस होते हैं, जब हमारी कंबशन कौन सी होती है, कंप्लीट कंबशन। और कंप्लीट कंबशन क्या होती है, कि जब जितनी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट कंबशन, ठीक है। सेकेंड है हमारी इनकम्प्लीट कंबशन, कौन से हमारे सेकेंड, इनकम्प्लीट कंबशन। तो देखो, द कंबशन दैट टेक्स प्लेस इन एन एडिक्वेट अमाउंट, इन एडिक्वेट अमाउंट, इन एडिक्वेट अमाउंट, इन एडिक्वेट कैसे, कि इम्प्रॉपर, कि जितने उसको चाहिए इतने नहीं मिलते, उससे कम मिलते हैं, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलती, कम अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कम्बशन, ठीक है। अब वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, ठीक है, सपोज हमने एलपीजी को ही बर्न किया, ठीक है, या फिर पेट्रोल को हमने बर्न किया, तो वहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा था, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट, बट यहाँ पे क्या क्या होता है, वाटर भी सेम प्रेजेंट होता है, ठीक है, हीट एंड लाइट भी सेम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हीट प्लस लाइट सेम प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे कौन सी गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड, बट वहाँ पे कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO, देखो इसमें क्या था, CO2 यानी डाई, डाई का मीनिंग क्या होता है, दो, यानी ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, टू, बट कार्बन मोनोऑक्साइड में मोनो मतलब सिंगल, यानी ऑक्सीजन का ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या है, एक सिर्फ सिंगल एटम ही प्रेजेंट है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO, और CO आपकी क्या होती है, ज़्यादा हार्मफुल होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हार्मफुल तो हमारे CO2 भी ऑब्वियस है, बट CO इज़ मोर हार्मफुल देन CO2, ठीक है। प्लस हमारा क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, सूट यानी स्मोक, स्मोक के फॉर्म में जो हमारा स्मोगी ज़्यादा होता है, उसके मतलब हमारी जो बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे इनकम्प्लीट कम्बशन और कम्प्लीट कम्बशन, मतलब जो हमारा सब्सटेंस है वो कम्प्लीट यहाँ पे बर्न नहीं हो पाता, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की लैक होती है, तो इसी वजह से इनकम्प्लीट कम्बशन होती है, ठीक है। सपोज आपके पास एलपीजी का सिलेंडर है, ठीक है, आपको क्या करना है, कुकिंग करनी है, ठीक है, आपने आपने सपोज चपाती बनाना स्टार्ट की, तो कंप्लीट मतलब चलो वेजिटेबल बनाना स्टार्ट किया आपने, ठीक है, कंप्लीट कंबशन मतलब कंबशन तो नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे, कि चलो जितनी आप, आपको एलपीजी दी, कंप्लीट मतलब आपका जो कुकिंग है, आपकी वेजिटेबल है वो कंप्लीट कुक हो चुकी है, ठीक है। इनकम्प्लीट में मतलब वहाँ पे जो एलपीजी थी वो आध मतलब थोड़ी बहुत आपकी कुकिंग के बाद वो क्या होगी, स्टॉप होगी, कि वहाँ पे एलपीजी आपकी फिनिश होगी, ठीक है, मतलब आपकी कुकिंग क्या रहेगी, इनकम्प्लीट रहेगी। अब आप उस
अनकुकड वेजिटेबल को जब आप ईट करोगे तो आपके बॉडी में हार्मफुल रहेगी, वो यूजफुल तो नहीं रहेगी ना। तो इसी टाइप से हमारी इनकम्प्लीट कम्बशन इज़ मोर हार्मफुल देन कम्प्लीट कम्बशन।